बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम वीवर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप तमाम वीवर्स को, तमाम स्टूडेंट को अल्लाह पाक ढेरों खुशियां अता फरमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 16 नवंबर की मीटिंग थी उसका फैसला आ गया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। मुराद रास साहब ने एक ट्वीट किया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। और जिन बच्चों ने, जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, अगेन थैंक्स। और न्यू विजिटर से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आगे भी इंशाल्लाह मैं आप बच्चों की हेल्प के लिए और भी बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आज की मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है और काफ़ी टाइम वो मीटिंग जारी रही है। मीटिंग जब ख़त्म हुई है, मीटिंग ख़त्म होने के फौरन बाद मुराद राज साहब ने ट्वीट किया है, नो डिसीजन मेड ऑन क्लोजर ऑफ स्कूल्स इन पंजाब टुडे। उन्होंने कहा, वीडियो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, मुराद राज साहब ने कहा है कि आज हम हतमी फैसला नहीं कर सकते, जो हतमी फैसले का ऐलान है वो 23 नवंबर 2020 को किया जाएगा। 23 नवंबर 2020 मंडे वाले दिन दोबारा एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में दोबारा फैसला किया जाएगा। मुराद राज साहब ने जो ट्वीट किया वो वीडियो स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। मुराद राज साहब ने कहा कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, अभी वो कहते हैं कि इतना जो कोरोना के केसेस हैं इतना ज़्यादा नहीं है, और जो आपके बोर्ड एग्जाम उनके बारे में भी बात हुई है, उन्होंने कहा जो बोर्ड एग्जाम है और आपके जो छुट्टियाँ हैं इनके बारे में दोबारा एक 23 नवंबर को दोबारा एक इजलास होगा, दोबारा मीटिंग कॉल की जाएगी, उस मीटिंग में हतमी फैसला किया जाएगा। तो अब आप तमाम स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्टडी पे फोकस रखें। जो जब 23 नवंबर की मीटिंग दोबारा होगी उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो या अल्लाह पाक जो ये वीडियो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, या अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा और उनके माँ बाप का साया उन पर हमेशा सलामत रखना, आमीन आमीन आमीन। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, अब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।